ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਜੀ ਦਸੂਆ ਦਰਬਾਰ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 11 ਜੂਨ ਔਰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਜਾਵਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
बहुत ही खूबसूरत दरबार पीर बाबा चिराग शाह जी। पानी मिले पानी नहीं पी लिया नहीं पानी पीले मत जय पीरां दी जय साईयां दी। अपने मेरा नाम अमरजीत, पहला मेरे फादर साहब सेवा करते सी, उन्होंने बहुत चिर सेवा की, 105 साल दे हो गए तो चोला छड गए सी। उन्हां तों बाद 2021 दे विच सेवा मैनूं दित्ती गई। बाबा चिराग साहब ने उहदा सेवादार मैं इस वेले मौके ते, सरकार मेरी 7 बजे चिरागां दी रस्म अदा कीती गई है 11 तरीक नूं। दोपहर नूं 12 बजे लंगर सरकार दा संगत नूं बरताया जाएगा। 12 तरीक नूं सवेरे 10 बजे झंडे की रस्म की जाएगी। उस तो बाद 11 बजे चादर की रस्म की जाएगी। 12 बजे नकलों का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 1:30 बजे लंगर सरकार का वरताया जाएगा। 11 तरीक नूं 8 बजे कवाल महफल स्टार्टिंग होगी। दोपहर 1 बजे का टाइम हो चुका है, आज 11 जून है। दरबार के आड़ वाले पास एक सड़क तो आंदियां अंदर एक दरवाजा, और दरवाजे उत्ते लिखा है दरगाह सैयद पीर बाबा चिराग शाह जी। आओ वेखते हैं अज 11 जून में दोपहर की रौनक शुरू हो चुकी हैं इस दरबार में। मेला हर साल की तरह 11 और 12 जून है, आज पहला दिन है इस मेले का। Thank you.
अलग अलग सजावटा का काम मुकम्मल हो चुका है। बहुत सोहना सजाया गया है दरबार। अज 11 जून और समा 9 बजन जा रहे हैं रात के दरबार में फिर हाजिर हुए हैं। इतना वेखण रौनक बहुत ही सोहना सजाया गया है दरबार में। अलग अलग प्रकार लड़िया न लाइटा नाल कवालिया का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। वेखांगे कवालिया तो तुहानू भी करावांगे इन रौनक के दर्शन। आओ चल दे ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ।
I'm gonna make it.
कुछ भी यहाँ तो हो गया।